हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर निलेश चिंस्कर, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द चेस्ट केयर सेंटर नवी मुंबई। इन माय लास्ट वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द ब्रांच पल्मोनरी मेडिसिन एंड व्हाट आर द डिजीजेस व्हिच पल्मोनोलॉजिस्ट ट्रीट। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग और डिस्कसिंग डिजीजेस वन बाय वन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज अ एजुकेशनल चैनल and the main language of the channel will be English or Hindi so that many people across India can get benefit of this discussion. Today, I will be discussing one important health topic, that is allergy. Allergy and its impact on the respiratory system which causes allergic respiratory diseases. And for better understanding, I have divided this topic into 5 parts. So first will be allergy and its overview. Second is causes of the allergy. Third is common symptoms of allergy and how you can prevent it. Fourth is how to diagnose particular allergy. And fifth and final is how to treat this allergy. So friends, moving on to today's topic, allergy and its overview. In this, I will be explaining you what is allergy, what are its types, and what are the misconceptions regarding allergy in common people's mind. So, it is very important to know what allergy is so that you can understand whether you can treat it or not. Allergy is particularly defined as exaggerated response of one individual's immune system to a particular substance. इसका ये मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो या पोलेंस हो या कोई भी एलर्जिक चीज़ हो, जिसके खाने के बाद या जिसके एक्सपोजर के बाद आपको एलर्जी के लक्षण दिखते हैं, और यही लक्षण कुछ लोगों में नहीं दिखाए जाते हैं इस सब्सटेंस के एक्सपोजर के बाद भी, क्योंकि वो लोग एलर्जिक नहीं होते। सो जिनको एलर्जी की बीमारी है उन्हीं में एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड इट इज़ योर इम्यून सिस्टम एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। एलर्जी के टाइप्स क्या होते हैं? आमतौर पर दो टाइप्स होते हैं, पेरिनियल एंड सीजनल। पेरिनियल का मतलब है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कुछ लोगों को साल भर हर रोज़ कुछ ना कुछ एलर्जी के लक्षण दिखाई दिए जाते हैं, उनको पेरिनियल एलर्जी होती है। और कुछ लोगों को सीज़न चेंज होने के बाद, जैसे कि स्प्रिंग से विंटर हो रहा है, विंटर से समर हो रहा है, उस दौरान लक्षण दिखाई देते हैं, या कुछ लोगों को स्प्रिंग में हेवी रेनफॉल में या विंटर में लक्षण दिखाई देते हैं, उनको सीजनल एलर्जी है ऐसे बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इज मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग एलर्जी। लोगों का ये मानना होता है कि एलर्जी बचपन से ही होती है, ऐसा नहीं है। एलर्जी बचपन से भी हो सकती है, लेकिन एलर्जी किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है। दूसरी चीज़, कुछ लोग मानते हैं कि आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एलर्जी किस वजह से है या किस चीज़ से है, और इसको आप ठीक भी नहीं कर सकते, ये गलत है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी पर्टिकुलर एलर्जी कैसे डायग्नोस किया जाता है और कुछ हद तक हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। कुछ लोग का ये मानना होता है कि 17 या 18 साल की उम्र के बाद एलर्जी अपने आप ठीक हो जाती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ हद तक सही हो सकता है, क्योंकि 17 या 18 साल की उम्र तक इम्यून सिस्टम और बॉडी की डेवलपमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है, और उसके बाद शायद से कुछ लोगों में लक्षण कम हो जाते हैं या कुछ लोग की एलर्जी जा भी सकती है, बट सब लोगों में ऐसे नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों में एलर्जी के लक्षण बाद में भी कंटिन्यू होते हैं, और उनको एलर्जी की तकलीफ बाद में भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं एलर्जी के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आने वाले वीडियोस में आपको एलर्जी के लक्षण, एलर्जी किन किन चीज़ों से होती है और इसको ठीक करने का तरीका, ये सब मैं बताऊंगा। अगर आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।